हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रीजंस फॉर कमीशन ऑफ साइबर क्राइम्स, कि साइबर क्राइम्स जो भी होते हैं उनके कारण क्या है, आखिर साइबर क्राइम क्यों होते हैं। सो फर्स्ट वी राइट रीजंस रीजंस फॉर कमीशन ऑफ साइबर क्राइम्स। ठीक है, तो देखिए साइबर क्राइम होने के देर आर वेरियस रीजन, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस में है, पहला है मनी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है कि पीपुल आर मोटिवेटेड टुवार्ड्स कमिटिंग साइबर क्राइम इज टू मेक क्विक एंड इजी मनी। तो इसमें क्या होता है कि लोग इसमें देखते हैं कि लो इन्वेस्टमेंट लो रिस्क में ज़्यादा रिटर्न है, तो इसलिए जो भी लोग हैं वो इस तरह मोटिवेट हो जाते हैं साइबर क्राइम को कमिट करने के लिए। ठीक है, दैट इज़ ओनली ड्यू टू उसमें काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी आसानी से वो अपना वेल्थ बना सकते हैं, मनी इकट्ठी कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है रीज़न वो होता है रिवेंज। रिवेंज क्या होता है कि कुछ लोग जो ये ट्राई करते हैं वो रिवेंज लेना चाहते हैं किसी पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से, सोसाइटी से, या कास्ट से, या रिलीजन से। ठीक है, तो अगर वो किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, या कास्ट से, या रिलीजन से रिवेंज लेना चाहते हैं, तो वो उसको उसकी रेपुटेशन को, उसके फाइनेंशियल लॉस उसको करके और डिफेम करके वो अपना रिवेंज लेना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है साइबर क्राइम को कमिट करने का। ठीक है, कायदे से तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर टेररिज्म। तो ये जो रिवेंज वाली प्रक्रिया है ये कायदे से साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में, साइबर टेररिज्म की कैटेगरी में आता है, जिसमें किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन से रिवेंज लेने के लिए लोग उसको डिफेम करते हैं, उसको इकोनॉमिकल और फिजिकल लॉस पहुंचाते हैं। थर्ड जो है रीज़न वो है फन। ठीक है, खाली शौक के लिए या मौज मस्ती के लिए द एमेच्योर डू साइबर क्राइम फॉर फन। दे जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट द लेटेस्ट टूल दे हैव एनकाउंटर्ड एंड दे अप्लाई और इम्प्लीमेंट इट ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फन के लिए भी बहुत लोग साइबर क्राइम कमिट करते हैं कि जब भी उनके नॉलेज में कोई नया टूल आता है तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए कि वेदर दैट टूल इज वर्किंग इन दैट मैनर इन विच इट हैज बीन प्रेडिक्टेड और नॉट, वो साइबर क्राइम करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है रिकग्निशन। नेक्स्ट जो रीजन होता है रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से अपने आप को रिकग्नाइज कराने के लिए कि इट इज कंसिडर्ड टू बी प्राइड इफ समवन हैक द हाईली सिक्योर्ड नेटवर्क्स लाइक डिफेंस साइट्स और नेटवर्क्स। मतलब अपने आप को रिकग्नाइज करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए कि यस वी आर मोर पावरफुल, कोई जो है किसी डिफेंस साइट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन की साइट को या नेटवर्क को हैक कर लेता है। ठीक है, तो रिकग्निशन के लिए भी कुछ लोग ये काम करते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है इसका दैट इज एनोनिमिटी। एनोनिमिटी इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, मेनी टाइम द एनोनिमिटी दैट ए साइबर स्पेस प्रोवाइड्स मोटिवेट्स द पर्सन टू कमिट साइबर क्राइम एज इट इज मच इजी टू कमिट ए साइबर क्राइम ओवर द साइबर स्पेस एंड रिमेन एनोनिमस एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। तो एनोनिमिटी मतलब कि इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि जो आदमी क्राइम करता है या जो भी इसके पीछे है, क्राइम के पीछे, वो एनोनिमस रहता है, पता नहीं रहता कि किसने किया है एज कम्पेयर टू रियल वर्ल्ड। तो इस वजह से भी कई लोग मोटिवेट होते हैं साइबर क्राइम को करने के लिए, क्योंकि इसमें एनोनिमिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि, और इसमें एनोनिमिटी में एक चीज और भी है कि इट इज मच इजियर टू गेट अवे विथ क्रिमिनल एक्टिविटी
in a cyber world than in the real world. There is a strong sense of anonymity that can draw otherwise respectable citizens to abandon their ethics in pursue personal goal. तो ये एक बड़ा रीजन है एनोनिमिटी, इस वजह से भी साइबर क्राइम ज्यादा होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो कारण है साइबर क्राइम के होने का, दैट इज साइबर एस्पिनोज. ये बहुत ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है साइबर एस्पिनोज. इसमें क्या होता है कि sometimes the government itself is involved in cyber trespassing to keep eye on other person oblique network oblique country. कुछ countries में और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो government है जो उस country को चला रही है वो खुद involved होती है इस तरह के cyber trespassing में, ठीक है. और ये ऐसा cyber trespassing वो क्यों करते हैं या करवाते हैं, वो इसलिए कि उन्हें मॉनिटर करना होता है, उन्हें एक आई रखनी होती है कुछ पर्सन पे या नेटवर्क पे या कंट्री पे. तो इस वजह से भी साइबर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं किसी कंट्री के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, पर्सन के द्वारा. ये भी एक बड़ा कारण है साइबर क्राइम्स के कमिटमेंट का. अब ये साइबर एस्पिनोज के जो रीज़न है वो दे मे बी पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिकल रीज़न, सोशल रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है किसी वजह से भी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है इस तरह के क्राइम करवाने के लिए, क्योंकि उसको किसी पर्सन या नेटवर्क या किसी कंट्री पे जो है उसको एक आई रखनी होती है, मॉनिटरिंग करनी होती है कि वो आदमी क्या कर रहा है जिसका जिसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है, ठीक. So these are the reason for which cyber crimes are committed. और इसमें ये reason भी हमने आपको बता दिया कि चूंकि इसमें anonymity और जैसे low investment है, low risk है, ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से लोग ज़्यादा motivate होते हैं cyber crime को करने के लिए. Clear? So this was all about the reason for which cyber crime takes place in most of the area of the world, and it is being take place in present days very oftenly. अब इसमें क्या होता है कि अगर हम आपसे बात करें कि साइबर क्राइम किस तरह से किया जाता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसमें स्पाई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर देते हैं या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. तो इसको समझने के लिए पहले आपको डिफरेंट तरह के मालवेयर के बारे में जानना होगा कि मालवेयर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट यू नो व्हाट इज मालवेयर एंड देन यू शुड नो व्हाट आर इट्स टाइप, ठीक है. तो मालवेयर क्या होते हैं पहले आज हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, फिर उसके टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में जाएंगे. फर्स्ट वी डिस्कस मालवेयर. ठीक है, देखिए मालवेयर क्या होते हैं. मालवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर. तो मालवेयर जो वर्ड है वो बना है आपका इससे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. इसी को कंबाइन करके बोलते हैं मालवेयर. और इसको क्यों डिजाइन किया जाता है, इसको डिजाइन करने का पर्पस ये होता है जस्ट टू गेन एक्सेस और इंस्टॉल्ड into the computer without the consent of the user. ये जो malicious software होते हैं, जो malware होते हैं, इसको ये या तो किसी भी user के computer का access पा लेते हैं, gain कर लेते हैं, उसके computer में enter कर जाते हैं, या malware को install कर दिया जाता है किसी भी user के computer में बिना उसकी consent के. ठीक, अब इसमें होता क्या है कि दे परफॉर्म अनवांटेड टास्क इन द होस्ट कंप्यूटर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए थर्ड पार्टी. तो ये जो मालवेयर होते हैं ये अनवांटेड टास्क परफॉर्म करते हैं किसी आपके यूजर के कंप्यूटर में, और
उससे फायदा किसको होता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी के फायदे के लिए वो सॉफ्टवेयर उसके कंप्यूटर में काम करता रहता है। देर इज ए फुल रेंज ऑफ मालवेयर्स विच कैन सीरियसली डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ द होस्ट मशीन। ठीक है, तो वेरियस तरह के मालवेयर ऑलरेडी अवेलेबल हैं आज के समय में जो होस्ट मशीन की परफॉर्मेंस को बहुत ही डिग्रेड कर देते हैं। एंड देर इज ऑल्सो अवेलेबल फुल रेंज ऑफ मालवेयर विच आर सिंपली रिटन टू डिस्ट्रैक्ट अनॉय द यूजर टू द कॉम्प्लेक्स वंस विच कैप्चर्स द सेंसिटिव डाटा फ्रॉम द होस्ट मशीन एंड सेंड इट टू रिमोट सर्वर। अब जो मालवेयर होते हैं वो हर रेंज में अवेलेबल है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिंपली जो आदमी उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको एनॉय करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो काम करते हैं। मतलब उसने कमांड दिया कुछ, कंप्यूटर काम कर रहा है कुछ, तो मतलब दिस टाइप ऑफ मालवेयर अननेसेसरी क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द वर्किंग ऑफ द दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो वो उसको अपने मेन काम से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स मालवेयर होते हैं वो तो यहाँ तक ही काम करते हैं कि जो भी सेंसिटिव डाटा होस्ट की मशीन पे है वो वहाँ से कैप्चर करके और जहाँ से भी उन्होंने गाइड किया हुआ है उस रिमोट सर्वर पे भेज देते हैं। यूज़र को पता भी नहीं चलता है कि उसका सारा डाटा चोरी हो रहा है या चोरी हो गया है। ठीक, तो मालवेयर जो है हर रेंज के, हर एफिशिएंसी के अवेलेबल है आज के समय में। इसीलिए साइबर क्राइम जो है आज के समय में बहुत एक सीरियस मैटर ऑलरेडी बन चुका है, और उसको ओवरकम करने की, उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी भी एफर्ट्स चल रहे हैं। ठीक, अब जहाँ तक हम बात करें कि मालवेयर कहाँ मिलते हैं, तो मालवेयर देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मालवेयर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे कई तरह के मालवेयर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसमें जो कुछ हो जैसे एडवेयर, स्पाईवेयर, ब्राउजर हाईजैकिंग, वायरस, ट्रोजन हाउस, ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर था कि रीज़न फॉर कमीशन ऑफ साइबर क्राइम, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है या कुछ और आप डिटेल चाहते हो तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।